हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ क्षेत्र प्रकृति के संबंध में। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का आधुनिक और परंपरावादी दृष्टिकोण में क्या अंतर है। यह मानना गलत होगा कि राजनीति शास्त्र के परंपरागत और आधुनिक परिवेश में बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है अथवा ऐसी तिथि निश्चित की जा सकती है जिस दिन परंपरागत राजनीति शास्त्र का अंत हुआ और आधुनिक राजनीति शास्त्र ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परंपरावादी राज विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या क्रांति है, जैसा कि कर्क पैट्रिक ने कहा है। असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। इन दोनों के मध्य हम मुख्य अंतर इस प्रकार से देख सकते हैं। नंबर एक, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, जबकि इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैप्लान कहते हैं, राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। दूसरा अंतर है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्षेत्र के संबंध में भी अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक कड़ा आलोचक था और उसे बंजर और औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या और स्थैतिक मानता था। पर उसका मूल कारण था कि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया, जैसे सरकार की प्रक्रियाएं, राज्य तथा समाज के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण के कार्य तथा परिणाम आदि। अगला अंतर हम देख सकते हैं प्रकृति के संबंध में अंतर। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में भी दोनों में अंतर है। परंपरावादी राजनीतिक विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। जैसा कि हमने देखा, बकल का विचार था, ज्ञान की वर्तमान अवस्थाओं में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे उसे केवल शिष्टाचारवशी विज्ञान मानते हैं, जबकि इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। मरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चौथा अंतर देख सकते हैं अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति शास्त्री जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं वो एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत हैं, जैसे दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति तथा तुलनात्मक पद्धति आदि।
इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उनसे संबंधित सानुभविक सत्यों का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र अपनी तीन विशेषताओं के आधार पर पारंपरिक राजनीति शास्त्र से मौलिक रूप से भिन्न है। पहला, परिवर्तियों की भाषा। राजनीति शास्त्र में इस विशेषता का जन्म प्रोफेसर लजार्स फील्ड से हुआ। इस पद्धति का अनुसरण कर आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक समस्याओं का निरूपण परिवर्तियों की भाषा में करते हैं। इस पद्धति के प्रयोग के कारण राजनीतिक सिद्धांतों के काल्पनिक पक्षों के सूत्रीकरण एवं प्रमाणीकरण की समस्या का हल मिल गया है। दूसरा है, प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। आधुनिक राजनीति शास्त्र में प्रतिमानों का सटीक प्रयोग बढ़ गया है। प्रतिमानों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों ने इस प्रयोग का विरोध किया था, लेकिन आज अधिकांश राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि यदि प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया जाए तो प्रतीकात्मकता से कोई हानि संभव नहीं है। इसलिए प्रतिमानों के सटीक प्रयोग होने के साथ ही साथ इससे संभावित प्रतीकात्मकता की हानियों से बचने के लिए आंकड़ों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ गया है। और तीसरा है, आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण। आधुनिक राजनीति शास्त्र की व्यवहारवादी मान्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण और सिद्धांत निरूपण है। यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए विशेष किया ज्ञान और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। फिर भी कंप्यूटरों के विकास के बाद बृहद संख्या में आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण की समस्या अब उतनी कठिन नहीं रह गई है। इसके अलावा आंकड़ा अधिकोशों की भी मदद ली जाती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्री सांख्यिकी पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अनुशासनात्मक पद्धति आदि के माध्यम से राजनीति के विज्ञान निर्माण की ओर प्रयत्नशील हैं। पांचवा अंतर है, मूल्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर मूल्यों के संबंध में है। परंपरावादी राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजवैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों, पक्षपातों आदि से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें। राजवैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। छठवां अंतर है, उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वे प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। यद्यपि आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उनके मत में राजनीतिक वैज्ञानिक को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना है, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्र में ऐसी धारणाओं, विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिनके आधार पर राजनीति शास्त्र को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। ये था हमारा राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ, क्षेत्र
प्रकृति और इनके दृष्टिकोण में अंतर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्यवहारवाद। धन्यवाद।